सभी मराठाओं को कुनबी के तहत आरक्षण देने की मांग को लेकर जालना से निकले मनोज जरांगे अभी नई मुंबई के एपीएमसी में हैं और शिवाजी चौक पर उन्होंने अभी घोषणा की है कि सरकार ने सभी बातें लगभग मान ली है, लेकिन जो जीआर आना चाहिए था सगे संबंधियों को भी आरक्षण दिया जाएगा कुनबी के तहत, वो जीआर नहीं आया है, तो उस जीआर का वो इंतजार करेंगे। अब वो मुंबई नहीं जाएंगे, यानी आज़ाद मैदान अभी फिलहाल नहीं जाएंगे, वो नई मुंबई में ही रुकेंगे, इंतजार करेंगे। अगर कल 11 बजे तक उन्हें जीआर नहीं मिला तो फिर वो आज़ाद मैदान के लिए फिर से कूच करेंगे। कई मराठा समाज के लोग, जो खास करके मुंबई के लोग हैं, जो मुंबई में रहते हैं, ये अपट्रॉय नाका है, यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि जब मोर्चा वहाँ से आएगा तो साथ में ये जुड़ेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उन्हें चाय पानी देंगे और फिर आज़ाद मैदान के लिए निकलेंगे। अब सभी लोग यहाँ पर हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि जो आज का फैसला हुआ है, एक तरह से जीत हुई है, लेकिन अभी भी चूँकि कागज़ नहीं मिला है लिहाजा उसका इंतजार है, तो क्या लोग सहमत हैं मनोज जरांगे ने जो अभी फैसला लिया है, और क्या आप लोगों की भावना है? आज़ाद मैदान तक जाना था, अभी फिलहाल उन्होंने घोषणा की कि चूँकि लगभग सभी बातें मान ली गई है, एक जीआर मिलना बाकी है सगे संबंधियों वाला, तो तब तक इंतजार करेंगे, मुंबई में नहीं जाएंगे, यानी कि आज़ाद मैदान नहीं जाएंगे, नई मुंबई में रहेंगे। आप लोगों को क्या कहना है कि एक तो जीत हो गई पहली, तो जरांगे पाटिल साहब जो बोल रहे हैं वो जो निर्णय लेंगे वो हम सब समाज को मंजूर है, जो साहब का निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा। लेकिन एक बड़ी जीत हुई है मानते हैं, 54 लाख लोग जो थे जिनका तो कुन भी मिला, समाज की एक संगठन की जीत हो गई, एक समाज की जीत हो गई, जरांगे पाटिल और सब सहयोगी है, सब मराठा समाज है, सकल मराठा समाज, उनका एक जीत हो चुकी है। तो क्या माना जाए कि जीत हो गई है और अभी शाम तक मान लीजिए जीआर भी मिल जाता है तो भी क्या आज़ाद मैदान तक जाना चाहिए? क्योंकि जो सरकार जो झुकी है एक तरह से वो इसीलिए कि मुंबई में जा रहे हैं, अब मुंबई में जो है कि समस्या पैदा हो सकती है इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर जाएंगे, तो क्या अभी भी जाना चाहिए अगर मिल जाता है जीआर तो? जीआर मिलने के बाद में भी जरांगे पाटिल साहब मराठा समाज के जनक है, जीआर मिलने के बाद भी उधर जाना कोई गुनाह नहीं है, वहाँ जाके खाली आज़ाद मैदान में उन्होंने जो तय किया था वही हिसाब से आज़ाद मैदान में जाके वो वापस आएंगे, वहाँ जाना कोई गलत नहीं है। समाज का अगर भला होता है, भला हो जाएगा, भला होने के बाद भी वो जगह पे जाना कोई गुनाह नहीं, वहाँ जा आज़ाद मैदान पे जाना गुनाह नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या लेकर जाना तो पूरी मुंबई की समस्या पैदा हो जाती है, लोगों का काम धंधा बंद हो जाएगा, ट्रैफिक बंद हो जाएगा, इसीलिए सरकार जो है कि कहीं ना कहीं झुकी और उसने कहा कि आप नई मुंबई में रहिए, पहले तो खार में एक मैदान में रुकने के लिए कह रहे थे, तो अगर मिल जाता है जो कि आप मांग जो है आरक्षण की है, सगे संबंधी सभी को मिलना चाहिए, अगर मिल जाता है जीआर तो क्या फिर भी जाना चाहिए उन्होंने, ये मेरा सवाल। मिल जाने के बाद भी जाना चाहिए नहीं जाना है जरांगे पाटिल साहब सोचेंगे, समाज के ऊपर है, अगर जाना चाहिए तो कोई गलत नहीं है, अगर ये शांतता प्रिय आंदोलन चालू है तो वहाँ जाने से कोई इतना गुनाह होने वाला नहीं है, और ऐसा पुलिस यंत्र शासन करता है ना, इसलिए जाएंगे नहीं जाएंगे वो कल की बात है, ये आंदोलन का जो जीआर है, जीआर मंजूर होने के बाद कल सोचेंगे जरांगे पाटिल जाना है या नहीं जाना है। मतलब अभी भी आंदोलन चालू है? आंदोलन चालू ही है, सरकार की तरफ से जीआर आया है, जरांगे पाटिल साहब अभी वो उसके ऊपर स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद सभी मराठा बांधव को आदेश देंगे कि आगे का स्टेप क्या रहेगा, वो हिसाब से फिर सब मराठा समाज उसको फॉलो करेगा। यानी ये मान लिया जाए कि सरकार के एक तरह से नकेल जो है अभी भी कसी हुई है और उसे पूरा सब जब तक नहीं करेगी तब तक मनोज जरांगे जाने वाले नहीं है, इस बार यहीं बैठने वाले, यही बैठने वाले, लेकिन जीआर लिखित आएगा, उनका एडवोकेट वो दिखाएंगे, एडवोकेट बोलेंगे, पढ़ के बताएंगे उनको, तो फिर वो सोचेंगे कि मुंबई जाना है, लेकिन मुंबई में गुजार लाने के लिए जाना दे तो है ही, 100% जाना है, नहीं तो ये पब्लिक थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे कि इधर तक आए इधर तक गए नहीं, तो नाराज़ होगा ना इतना पब्लिक को। मतलब मांगे पूरी हो जाने के बाद भी आज़ाद मैदान जाना ही है, ये आप लोग की मांग है? शांतता से जा रहे हैं ना, कुछ लफड़ा झगड़ा कर नहीं रहा है, सबको साथ में लेके जा रहा है, ये मराठा समाज अभी लाखों के मोर्चे निकले, किधर भी इतना सा होगा क्या, वैसे करेंगे तो यही तो नहीं चाहती, इसलिए तो सरकार ने नोटिस भी दे दिया, कहा आज़ाद मैदान में मत आइए, का अंदाजी लाना था कि आज लोग कितना दे कल कितना आते, ये अंदाजी लाना था, इसके लिए उसने ये दाव किया है, लेकिन ये दाव नहीं चलेगा उनका, ये आज अंदाजी देखा है कि आज कितने लोग आते हैं, इतने लोग अपन हाजिर कर सकते हैं क्या, इसके लिए जाना नहीं आज, यही आप लोग भी चाहते हैं कि आज़ाद मैदान पे ही जाया जाए, जाने का आज़ाद मैदान इसके लिए जाने का, अपना जरांगे साहब हमारा अभी मेन बॉस है, बोलेगा तो अपना छत्रपति शिवाजी जैसा था, अभी जरांगे पाटिल है, लेकिन आज़ाद मैदान ये इसके लिए जाने का है, हमारा जरांगे साहब बोला कि हम लोग उधर जाके गुलाल उछलाएंगे,
इसके लिए हमको जाने का है। हाँ गुलाल उधळायला जायचं आहे आम्हाला तिथे। आम्ही आनंदासाठी जाणार, आम्ही सरकारचं आम्ही कुठल्या याचं नुकसान करण्यासाठी नाही जाणार। आत्तापर्यंत आम्ही जसं नुकसान नाही केलंय तसं ह्याच्या पुढेही आम्ही नुकसान नाही करणार। नाही साफ सौर है कि भले ही जी आर मिल जाए, सभी मांगे पूरी हो जाए, सभी की इच्छा है जितने भी लोग हैं कि आज़ाद मैदान जाना ही है, वहीं पर जाके गुलाल उड़ाएंगे, तभी जो है कि पूरी मांग भी पूरी होगी और जो इच्छा है और जो आंदोलन है वहीं तब जाके खत्म होगा। बिना आज़ाद मैदान जिए आदम खत्म नहीं होगा। भले ही आज यहाँ पे रुक रहे हैं, ये एक विराम भर है, लेकिन आज़ाद मैदान तो जाना ही है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।